एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करेंगे. द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड इनवर्सली एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेड 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ्ड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ द पेंडुलम इन द टू केसेस. हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उस पेंडुलम के स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है. हे स्टूडेंट, टाइम पीरियड और लेंथ ऑफ द पेंडुलम के बीच में संबंध है कि टाइम पीरियड जो है लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के व्युत्क्रमानुपाती है, राइट. और फिर अगला लाइन है, यदि पेंडुलम की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए और एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण को आधा कर दिया जाए तो वास्तविक टाइम पीरियड और नए टाइम पीरियड के बीच का अनुपात बताएं. हे, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों आइडियाज हैं. तो आइए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं उसी थ्योरी की मदद से. राइट स्टूडेंट, लिखो, लेट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू टी, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू एल और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए मान लेते हैं. अब देखो क्वेश्चन का पहला लाइन में लिखा है टाइम पीरियड टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट. टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. अब हम इसे लिखेंगे टी इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन ए. के क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट. अब इस इक्वेशन को एक बार वन में लिखेंगे, वन पहले बिंदु पर फिर दूसरे बिंदु पर. तो इक्वेशन वन को लिखेंगे टी वन इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ एल वन डिवाइडेड बाई ए वन और उसी तरह से टी टू इज इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल टू अपॉन ए टू. के कॉन्स्टेंट है. अब इस दोनों ने इक्वेशन को आपस में डिवाइड करो. सो टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू, ये जब इसे डिवाइड करेंगे के कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L1 वन अपॉन एल टू इन टू ए टू अपॉन ए वन. ये हमारा इक्वेशन नंबर टू है. सो फाइनली इस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर टू की मदद से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे. आ जाओ क्वेश्चन. हे स्टूडेंट, अब क्वेश्चन के लास्ट लाइन में दिया है यदि लेंथ को 4 गुना कर दिया जाए. हे, इसका मतलब है गिवन है L2 टू इज इक्वल टू फोर एल वन एंड टाइम पीरियड को क्या करना है एंड एक्सेलरेशन को आधा किया जाए. हे, इसका मतलब ए टू इज इक्वल टू ए वन बाई टू. ये दो रिलेशन हमें एल वन एल टू और ए वन ए टू के बीच में दिया हुआ है. इसको हम इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, राइट. हे, हमें टी वन और टी टू का रेशियो निकालना है तो इसको एज इट इज रखेंगे, राइट. अब स्क्वायर रूट ऑफ एल वन बटे एल टू का मान है फोर एल वन. सो पुट एल टू इज इक्वल टू फोर एल वन. ए टू को हम रिप्लेस करेंगे ए वन बाई टू से और पहले से डिनोमिनेटर में ए वन है. सो स्टूडेंट, ए वन कैंसल, एल वन कैंसल. सो टी वन बाई टी टू हो गया 4 का स्क्वायर रूट 1 बाई टू. सो 1 बाई टू इंटू टू 1 बाई फोर. सो दे आर फोर टी वन इज टू टी टू इज इक्वल टू 1 इज टू 4. सो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है स्टूडेंट. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? बेसिक्स ऑफ रेशियो और उससे संबंधित क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन और उससे संबंधित क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट. अब हम नेक्स्ट पड़ाव में डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन. सो मिक्स्ड प्रैक्टिस हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन. तो जो आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एज ए मिक्स प्रैक्टिस एडवांस लेवल क्वेश्चन. ऑल राइट स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन.
अ बॉक्स हैज 210 क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशंस, 1 रुपीज एंड 50 पैसे ओनली. द रेशियो ऑफ दियर रेस्पेक्टिव वैल्यू इज 13:11. द नंबर ऑफ 1 रुपी क्वाइंस इज, हे स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है एक बॉक्स में 210 क्वाइंस. हाँ स्टूडेंट, एक दिया है एक बॉक्स में 210 सिक्के हैं, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों से मिलकर बना हुआ है. उनके मानों का अनुपात 13:11 है. उन सिक्कों के मानों का अनुपात 13:11 है. तो बताना है 1 रुपया वाले कुल कितने सिक्के हैं. ऑल राइट स्टूडेंट, ये देखो, आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं. ये देखो टोटल 210 क्वाइंस है, राइट. और इसमें दो वेराइटी है स्टूडेंट, 1 रुपीज वाले और 50 पैसे वाले सिक्कों के दो वेराइटी है, राइट. और अब हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ दियर वैल्यूज. हे रेशियो ऑफ वैल्यूज, 1 रुपये वाले और 50 पैसे वाले सिक्कों की के मानों का अनुपात दिया गया है 13:11, राइट. हे इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये वाले क्वाइन के सिक्कों की संख्या तभी निकाली जा सकती है जब मुझे रेशियो ऑफ क्वाइंस पता हो. जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो ऑफ वैल्यूज पता है. मतलब ये देखो, इसका मतलब है कि 1 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनका वैल्यू है 13 parts, और जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनका वैल्यूज है 11 parts. तो अगर मैं मान लूं 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 13 रुपीज है और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का मान 11 रुपीज है, तो हम आसानी से रेशियो ऑफ वैल्यूज को रेशियो ऑफ क्वाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट, अगर 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 13 रुपया है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 13 सिक्के होंगी. तो यहां पे 13 आ गया. उसी प्रकार से अगर हम मान ले 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 11 रुपीज है तो 11 रुपीज में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे. ये 1 रुपया में 2 50 पैसे के सिक्के, तो 11 रुपया में 11 दुना 22 50 पैसे वाले क्वाइंस होंगे. तो हमने रेशियो ऑफ वैल्यूज को रेशियो ऑफ क्वाइंस में कन्वर्ट कर दिया. और जैसे ही रेशियो ऑफ क्वाइंस आ गया, टोटल क्वाइंस 210 गिवन है, तो 1 रुपीज वाले क्वाइंस सिक्कों की संख्या आसानी से आ जाएगी. ओके स्टूडेंट, तो आइए आंसर लिखते हैं. हे 1 रुपीज क्वाइंस इज इक्वल टू, हे पहला है 1 रुपया, 13 + 22 कितना होता है, 35. हे इसका मतलब कुल 35 हिस्सों में से 13 हिस्सा 1 रुपये वाले क्वाइंस की है. तो 13 out of 35 into total coins जो 210 है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. 35 2 जा 70, 35 6 जा 210, सो आंसर है 78, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग एक्स वाई एंड जेड. इफ एक्स रिसीव 25% मोर देन वाई एंड वाई रिसीव्स 25% लेस देन जेड, then find the value of x is to y is to z. हे स्टूडेंट क्वेश्चन है, एक धन राशि को x, y और z में बांटा जाता है. यदि x को y से 25% अधिक मिलता हो और y को z से 25% कम मिलता हो तो x, y और z के बीच का अनुपात बताएं, राइट. तो आइए लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन. ओके, हे एक्स वाई जेड है. हे पहला है, कंडीशन है एक्स रिसीव्स 25% मोर देन वाई. हे इसका मतलब है एक्स को, एक्स गेट्स 125% ऑफ वाई. एक्स को 25% वाई से अधिक मिलता है, इसका मतलब एक्स को कितना मिलेगा, वाई का 125%. तो एक्स गेट्स 125% ऑफ वाई, ये पहला कंडीशन है. अब इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट. सो एक्स इज इक्वल टू 125/100 इंटू वाई. ये 25 से कैंसल हो रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 25 5 जा 25 4 जा 5/4 इंटू वाई. सो देयरफॉर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 5/4.
सो डेट इज एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू फाइव इज टू फोर, इक्वेशन नंबर वन। तो पहले कंडीशन से एक्स और वाई के बीच का अनुपात आ गया। अब सेकेंड कंडीशन, वाई रिसीव्स 25% लेस देन जेड, हे वाई को जेड से 25% कम मिलता है, राइट right? तो अब हम सेकेंड कंडीशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। y gets 25% less का मतलब 75% of z, 25% z से कम का मतलब है y को केवल 75% मिल रहा है z का। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 by 100 into z, so 25 3 जा 25 4 जा, so y upon z is equal to 3 by 4, so therefore y is to z is equal to 3 is to 4, equation number 2। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड का अनुपात निकालना है, तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको कंबाइन कर लेंगे। हे एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू फाइव इज टू फोर, वाई इज टू जेड इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर, और ग्राफिकल मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हे बस ये दोनों पोजीशन वाई का क्रॉस होना चाहिए, सो एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू फाइव थ्री जा 15, राइट ना, फोर थ्री जा 12 एंड 4 जा 16, सो आंसर इज 15 इज टू 12 इज टू 16, 15 अनुपात 12 अनुपात 16, ऑप्शन बी। तीसरे क्वेश्चन पर चला जाए, फ्रॉम ईच ऑफ द टू गिवन अनइक्वल नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, देन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स द लार्जर वन इज 5 टाइम्स देन द स्मॉलर वन, देन द रेशियो ऑफ द लार्जर टू स्मॉलर वन इज। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि दो असमान संख्याओं में से छोटी संख्या की आधी घटाई जाती है, जिससे परिणाम बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना आता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताएं। ओके स्टूडेंट, आइए उत्तर डिस्कस करते हैं। लेट ए स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू वाई, हे एक्स और वाई मान लिया, छोटा और बड़ा। अब क्वेश्चन है हाफ द स्मॉलर, हे स्मॉलर नंबर हमने एक्स माना है, तो एक्स का आधा हो गया एक्स बाई टू। अब लिखा है जो छोटी संख्या उसकी आधी दोनों संख्या में से घटाई जाती, तो घटाने के बाद ये देखो एक्स का मान स्मॉलर नंबर है x, x का आधा होता है x बाई टू, तो x बाई टू हम x में से भी घटाएंगे और x बाई टू y में से भी घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या का आधा घटा दिया, और फिर छोटी संख्या में से भी छोटी संख्या का आधा घटा दिया, राइट right? तो कह रहा है घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है ये y माइनस x बाई टू बड़ी संख्या है, और घटाने के बाद छोटी संख्या x माइनस x बाई टू है, और इसके बीच में संबंध दिया है बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना होता है, 5 इंटू x माइनस x बाई टू। हे स्टूडेंट, ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया था, यही समझना है। हे छोटी संख्या का आधा दोनों में से घटाया जाता है, और घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना आता है, तो ये हमारा संबंध आ गया। इसको सॉल्व करें, आंसर आ गया। So y minus x by 2 is equal to 5 into x minus x by 2 means x by 2. So y is equal to 5x by 2 plus x by 2. Right? So y is equal to 6x by 2. So therefore y is equal to 3x by 2. So y by x is equal to 3 by 2. अब क्वेश्चन में पूछा है लार्जर टू स्मॉलर, ये लार्जर हमने वाई को माना है, स्मॉलर एक्स माना है, इसलिए आंसर हो गया 3:2, दैट इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड दियर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, हाउएवर ईच सेव्स रुपीज 6000 पर मंथ, व्हाट इज दियर टोटल मंथली इनकम। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, और उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है, और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है, और दोनों 6000 रुपया प्रति माह
बचत करते हैं तो उनकी कुल आय बताएं, व्हाट इज देयर टोटल मंथली इनकम। हे तो क्वेश्चन में पूछा है एक्स और वाई का कुल आय बताएं, एक्स और वाई के आय का कुल योगफल बताएं। ओके सो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। राइट हे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है इनकम के बारे में, दूसरा इंफॉर्मेशन है एक्सपेंडिचर के बारे में, खर्च के बारे में, और तीसरा है सेविंग्स के बारे में। राइट इनकम एक्सपेंस एंड सेविंग्स, और दो पर्सन हैं एक्स एंड वाई। तो इस टेबल से हम क्वेश्चन को आसानी से हिट कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, हे एक्स और वाई के इनकम का अनुपात है, आय का अनुपात है 4:3। इसको हम संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो हमने माना x का इनकम 4m और y का इनकम 3n। हे x और y के आय का अनुपात है 4:3, तो x का अनुपात हमने माना 4m और y का अनुपात हमने माना 3m। हे पहले रेशियो को हमने mm के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, फिर हमें दिया हुआ है उनके खर्चों का अनुपात है 3:2। हे स्टूडेंट याद रखे, अगर एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग अनुपात है तो अगर हम पहले को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे को n से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दूसरे वेरिएबल के साथ। तो एक्सपेंस का खर्चे का अनुपात है 3:2, तो हमने माना x का खर्चा है 3n और y का खर्चा है 2n। राइट स्टूडेंट, ये सारी सूचना थी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है उनका बचत, वे प्रति माह 6,000 रुपया बचत करते हैं, तो 6,000 रुपीज एक्स भी बचत करता है प्रति माह और वाई भी 6,000 रुपीज बचत करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई थी। राइट अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, संबंध है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। राइट तो देखो एक्स के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, एक्स के लिए इक्वेशन बनेगा 4m - 3n इज इक्वल टू 6,000, इक्वेशन नंबर वन। उसी तरह से y के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, सो 3m - 2n इज इक्वल टू 6,000, इक्वेशन नंबर टू। तो हमने दो इक्वेशन बना लिया, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और फिर टोटल इनकम आसानी से आ जाएगी। तो आइए इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हे स्टूडेंट, इस दोनों इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपने देखा RHS इक्वल है, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो सॉल्विंग 1 and 2। सो फ्रॉम 1 and 2, हे RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, 4m - 3n इज इक्वल टू 3m - 2n। अब दोनों m को एक साथ रखते हैं तो 4m - 3m इज इक्वल टू m, और दोनों n को एक साथ रखो -2n + 3n इज इक्वल टू n। हे m और n बराबर आ गया, मतलब जो m का मान होगा वही n का मान होगा। राइट ना, ओके अब हम किसी एक इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन वन m और n को रिप्लेस करते हैं, m और n इक्वल है, 4m - n को हम m में रिप्लेस कर देते हैं, सो 3m इज इक्वल टू 6,000। सो m इज इक्वल टू आ गया 6,000, एंड सिंस m एंड n आर इक्वल देयरफॉर n इज ऑल्सो इक्वल टू 6,000। राइट अब क्वेश्चन में टोटल मंथली इनकम, तो x का इनकम हम निकालेंगे। सो x का इनकम है 4m, m का मान है हमारे पास 6,000, सो 6,000 × 4 24,000। उसी प्रकार से हम निकालेंगे y का इनकम। ये y का इनकम टेबल से है 3m के बराबर, m का मान है 6,000, तो 6 × 3 = 18,000 रुपीज। राइट स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में टोटल इनकम पूछा है, सो आंसर हो जाएगा 24,000 + 18,000। 24,000 + 18,000 कितने के बराबर होगा? राइट सो 42,000 रुपीज, 42,000 रुपीज, यही आंसर है। क्वेश्चन को दो बार पढ़ना है, समझना है और बेसिक की मदद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 117 अमंग पी क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:1:3:1:4, बाई मिस्टेक इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, हु गेन्ड इन द ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है 117 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में
एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन अनुपात एक बटा चार में बांटा जाना था, लेकिन गलती से दो अनुपात तीन अनुपात चार में बांट दिया गया। तो इस गलती से किनको लाभ हुआ, पी को लाभ हुआ या क्यू को या दोनों को, ये हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट, हमें सबसे पहले 117 रुपीज को हम एक्चुअल में जो डिवाइड करना था उसमें हम पी इज टू क्यू 117 को हम सबसे पहले पी इज टू क्यू इज टू आर मीन्स 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4 में डिवाइड करने जा रहे हैं। पी इज टू क्यू इज टू आर को हम 1/2 इज टू 1/3 अपॉन 1/4 में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम आ रहा है, 2, 3, 4 का एलसीएम आ रहा है, कितना रहे 12 आ रहा है, तो 12 से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पी इज टू क्यू इज टू आर आ गया 2, 6 जा 3, 4 जा एंड 4, 3 जा 6 इज टू 4 इज टू 3, राइट। तो अब हम पी 117 को 6 इज टू 4 इज टू 3 में डिवाइड करते हैं। तो देखो P को कितना मिलेगा, P will get 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13, so P will get 6 part out of 13 part into 117, 6 + 4 + 3 13 हिस्सा में से P को 6 हिस्सा, तो 13 9 जा 117 and 9 6 जा 54 rupees। अब हम Q का मान निकालते हैं, Q दूसरा व्यक्ति है, equation number 1 से क्यों दूसरा है, उसको 4 हिस्सा मिल रहा है कुल 13 हिस्सा में से इंटू 117, सो 13 9 जा 9 4 जा 36 रुपीज। उसी प्रकार से आर को क्या मिलेगा, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 13 इंटू 117, सो 13 9 जा 9 3 जा 27 रुपीज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अब हम कह रहे हैं कि अगर इसने गलती से 2:3:4 में डिवाइड कर दिया, तो 117 को अब हम डिवाइड करने जा रहे हैं P इज टू Q इज टू R, 2:3:4 में हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। देखो 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, कुल 9 हिस्सों में से P को 2 मिल रहा है, तो देखो P को क्या मिलेगा, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट इंटू 117, सो 13 9 जा 13 2 जा 26 रुपीज। उसी प्रकार से क्यू को क्या मिलेगा, क्यू दूसरा व्यक्ति है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट इंटू 117, सो 13 9 जा 13 3 जा 39 रुपीज। सिमिलरली आर को क्या मिलेगा, 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट इंटू 117, तो 13 4 जा 52 रुपीज। रिमेंबर स्टूडेंट, अभी जो हमने पी क्यू आर में जो डिस्ट्रीब्यूट किया ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन है, और पहले पार्ट में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब क्वेश्चन है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में किसे लाभ हुआ। देखो आप पी को कंपेयर करो, पी को पहले 54 रुपया मिलना था, बाद में 56 रुपया मिला, इसका मतलब पी को हानि हो रही है। ये क्यू को पहले 36 रुपया मिलना था, अब 39 रुपीज मिल रही है, इसका मतलब क्यू को लाभ हो रहा है। उसी प्रकार से आर को पहले 27 मिल रहा था, अब 52, इसका मतलब है आर को भी लाभ मिल रहा है। इसका मतलब है आंसर है बोथ क्यू एंड आर। हे सीए स्टूडेंट, हे कुछ बच्चे क्या देखता है कि पहले पार्ट में 6, 4, 3 दूसरे पार्ट में 2, 3, 4, तो आर को 3 से ज्यादा 4 मिल रहा है, पहले 2 को कम है, तो वो सीधा सीधा बोल देते हैं आंसर इज आर, जो कंप्लीटली गलत है। हे स्टूडेंट, कुछ बच्चे केवल रेशियो को कंपेयर करके कहते हैं कि आंसर इज आर, जो कंप्लीटली गलत था, क्योंकि आंसर तो बोथ क्यू एंड आर है। एग्जाम्पल नंबर 6, सेम क्वांटिटी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ 15 मेंबर ऑन ए पर्टिकुलर डे, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली द कंजम्पशन ऑफ राइस वॉज रिड्यूस्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3, द नंबर ऑफ मेंबर एबसेंट ऑन दैट डे वॉज। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि एक परिवार में 15 सदस्य हैं और सभी सदस्य समान मात्रा में चावल खपत करते हैं। एक दिन कुछ सदस्य के
अनुपस्थित होने के कारण चावल के खपत का अनुपात 5:3 रह जाता है। तो बताएं कितने सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे। हे स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हे क्वेश्चन में पहला इंफॉर्मेशन है हमारे पास 15 मेंबर्स हैं और एब्सेंट होने के कारण जो चावल की खपत है 5:3 रह जाती है। इसका मतलब है पहले जो 15 मेंबर्स थे वो 5 हिस्सा चावल यूज करते थे और एब्सेंट होने के कारण अब केवल 3 parts ऑफ राइस कंज्यूम होगा। ये 5:3 रह गया। इसका मतलब है पहले 5 हिस्सा चावल यूज होता था, अब केवल 3 हिस्सा चावल। ये हम कह सकते हैं पहले 5 किलो चावल अगर फैमिली में यूज होता था तो आज केवल 3 kg चावल यूज होगा। क्यों? क्योंकि कुछ मेंबर्स एब्सेंट है, राइट? तो 5 parts and 3 parts। तो सी स्टूडेंट, हे 5 parts ऑफ राइस पहले कंज्यूम होता था कितने मेंबर्स में? सो 15 मेंबर्स। ये पहला पार्ट है, राइट? अब तो 5 parts ऑफ राइस रिक्वायर्ड फॉर 15 मेंबर्स। तो 1 part ऑफ राइस कितने मेंबर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? 15 / 5, ये डेट इज 3 मेंबर्स। और उस पर्टिकुलर डे में केवल 3 parts ऑफ राइस यूज किया गया। सो 3 parts ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाई हे 3 × 3 टोटल कितने हो गए? 9 मेंबर्स। हे इसका मतलब हो गया उस पर्टिकुलर डे में 9 मेंबर्स घर में उपस्थित थे तो कितने एबसेंट थे? 15 - 9। सो क्वेश्चन में पूछा है कितने अनुपस्थित थे। सो 15 - 9 डेट इज 6 मेंबर्स। आंसर है 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7th, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन 2 stations इज 3:1 एंड डेट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन द 2 stations बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इज 1:50। इफ ऑन ए पर्टिकुलर डे ₹13,250 आर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स, देन फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्लास पैसेंजर। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया गया है प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास के बीच के फेयर का अनुपात 3:1 है और फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के बीच ट्रेवल करने वाले यात्रियों का अनुपात 1:50 है। ये पहले पार्ट में फेयर का अनुपात दिया गया है फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास का 3:1। दूसरे लाइन में यात्रियों के संख्याओं का अनुपात फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का 1:50 है। किसी एक दिन कुल 13,250 रुपया कलेक्ट होता है, कलेक्ट किया जाता है। तो बताएं कि द्वितीय क्लास से सेकेंड क्लास से कितना पैसा कलेक्ट किया गया। ये 13,250 फर्स्ट और सेकेंड क्लास दोनों का कंबाइंड कलेक्शन है, तो केवल सेकेंड क्लास से कितना पैसा कलेक्ट किया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये बहुत सारी सूचनाएं हैं स्टूडेंट। ये 2 अनुपात है, तो पहले को हम x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे अनुपात को y के टर्म्स में। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। ये पहला है हमारे पास रेशियो ऑफ फेयर्स, दूसरा है रेशियो ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और तीसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन है कलेक्शन, आई भी कह सकते हैं, रेलवे की आई है। तीन टर्म्स हमारे पास उपलब्ध है। देखो स्टूडेंट ध्यान से, हे फेयर का रेशियो है फर्स्ट और सेकेंड क्लास का 3:1। तो हमने माना कि 3:1 को हमने माना फेयर जो है पहले क्लास से 3x रुपीज और दूसरे क्लास का फेयर है 1x रुपीज, राइट? अब दूसरा है हमारे पास पैसेंजर का अनुपात है फर्स्ट और सेकेंड क्लास का 1:50। सो हमने फर्स्ट क्लास में पैसेंजर माना 1y और सेकेंड क्लास में पैसेंजर माना 50y। क्वेश्चन के हिसाब से हे एक ही क्वेश्चन में अगर 2 अनुपात हो तो पहले को x से दूसरे को y से, वेरिएबल अलग अलग होना चाहिए। अब कलेक्शन कितना होगा? हे अगर मैं फेयर्स को नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल कलेक्शन आ जाएगा।
तो फर्स्ट क्लास से कलेक्शन हो जाएगा 3x into 1y, सो 3xy, और सेकेंड क्लास से टोटल कलेक्शन हो जाएगा फेयर इंटू पैसेंजर 1x into 50y, 50xy। ओके स्टूडेंट, टेबल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दिन कुल कलेक्शन 13,000, कुल आय रेलवे की 13,250 हुई। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है 3xy, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट क्लास कलेक्शन प्लस सेकंड क्लास कलेक्शन इज इक्वल टू टोटल, दैट इज 13,250। तो 50 + 3, 53xy इज इक्वल टू 13,250। ये पहला रिलेशन हमारे पास आ गया। 53xy को हम ऐसा कह सकते 53 पार्ट्स इज इक्वल टू 13,250। तो क्वेश्चन पूछा है सेकंड क्लास से कितना कलेक्शन होगा, हे इसका मतलब 50xy इज इक्वल टू कितना। हे अब क्वेश्चन सिंपल है, अगर 53 पार्ट्स 13,250 है तो 50 हिस्सा कितने के बराबर होगा। तो हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, सबसे पहले वन पार्ट्स का मान निकालेंगे 13,250 डिवाइडेड बाई 53। अब क्वेश्चन में सेकंड क्लास पैसेंजर जो 50 के बराबर है, 50 पार्ट्स, सो 50xy इज इक्वल टू कितना। तो यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इकाई विधि इनटू 50। स्टूडेंट यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। हे 53 एक प्राइम नंबर है, तो देखते हैं 1,325 किससे कटेगा। हे 53 10 जा 530, 53 20 जा 1060। ये ऐसा करते हैं 132 को डिवाइड करते हैं 53 से, 53 2 जा ये आ गया 106, बचा कितना, तो 26 बचा, 265, और दो ये 53 2 जा 106 बचा, 26 मीन्स 265, और 265 किससे जाएगा 265, 53 5 जा 265, सो 250 इंटू 25 इंटू 50, सो 250 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 5 = 1,250, सो 12,500 रुपीज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए 100% करेक्ट आंसर। हे स्टूडेंट, हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटीज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हे चाहे आप इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, हर एग्जाम में क्वेश्चन इजी, एवरेज और डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कशन का हमारा एम है कि जो गुड क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चन है, एवरेज से जो बढ़िया है, डिफिकल्ट है, वैसे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए कि हम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। 8th क्वेश्चन, राधिका परचेस्ड 1 dozen बैंगल्स, वन डे सी स्लिप्ड ऑन द फ्लोर एंड फेल डाउन, What cannot be the ratio of broken to unbroken bangles? ये स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है, राधिका 1 dozen चूड़ियां खरीदी, एक दिन वह फर्श पर स्लिप हो गई और गिर गई। तो प्रश्न में पूछा गया है What cannot be the ratio of broken? हे टूटी हुई चूड़ियां और नहीं टूटी हुई चूड़ियों के बीच का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता। ऑल राइट स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को में ऑप्शन का रूल है, ऑप्शन से हम हैंडल करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स, कुल चूड़ियां हमें दी गई है 12, 1 dozen का मतलब 12 बैंगल्स, राइट। अब वो फर्श पर स्लिप हो गई और गिर गई, तो कुछ चूड़ियां टूट गई और कुछ नहीं टूटी। तो अब हम इसे ऑप्शन से हल करेंगे। हे ब्रोकन इज टू अनब्रोकन, हे देखो ब्रोकन टूटी हुई चूड़ियां और नहीं टूटी हुई चूड़ियों के बीच का अनुपात दिया गया है, पहला ऑप्शन 1:2। अब हमें ये चेक करना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। हे देखो, अब हम इसमें ब्रोकन बैंगल्स निकालेंगे। हे ब्रोकन बैंगल्स कितने होंगे, 1 + 2 = 3, एक पार्ट आउट ऑफ 3 इंटू 12, तो कितना आ गया 4 बैंगल्स। अनब्रोकन बैंगल्स निकालते हैं, नहीं टूटी हुई चूड़ियां, 2 / 3 × 12, तो 8, हे 4 + 8 = 12, हे इसका मतलब है जो 12 है वो 1 और 2 दोनों से डिविजिबल है,
राइट। हे देखो 1 + 2 = 3 होता है राइट ना, तो 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कौन नहीं हो सकता। हे इसका मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं हो सकता। देखो सिमिलरली ऑप्शन बी, रेशियो है हमारे पास 1:3। हे 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 = 4। हे क्या 12 4 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी संभव है, इसका मतलब ऑप्शन बी उत्तर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन सी। हे 2:3, हे स्टूडेंट देखना, हे 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 = 5। क्या 12 5 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ऑप्शन डी, हे 1:5, 1 + 5 = 6, 6 टोटल 6 पार्ट। क्या 12 6 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता, सो आंसर इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा है विच कैन नॉट बी, इसका मतलब 4 में से 3 रेशियो संभव है, एक नहीं है। ऑल राइट, सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सपेंसेस ऑफ ए होटल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट वेरीज विद द नंबर ऑफ इनमेट्स एंड द अदर इज कॉन्स्टेंट। When the number of inmates is 200 and 250, the expenses are respectively 1300 and 1600. Then the expense for 300 inmates are. Hey student, question में दिया है, एक होटल में खर्च 2 विभिन्न प्रकार से होता है। पहला खर्च व्यक्तियों पर आधारित होता है और दूसरा कांस्टेंट होता है। जब व्यक्तियों की संख्या 200 है तो खर्च 1300 रुपया होता है, और जब व्यक्तियों की संख्या 250 है तो खर्च 1600 रुपया होता है। तो बताएं यदि व्यक्तियों की संख्या 300 होगी तो खर्च कितना होगा। हे स्टूडेंट क्वेश्चन को समझना है, कह रहा है कि एक होटल में खर्च 2 तरीकों से होता है, एक है व्यक्तियों पर और दूसरा कांस्टेंट होता है। और अगला लाइन है, यदि जब 200 व्यक्ति है तो खर्च 1300 रुपया होता है, जब 250 व्यक्ति है तो 1600। तो बताएं 300 व्यक्तियों के लिए कुल खर्च कितना होगा। हे स्टूडेंट, 2 पार्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो आपने कोई पार्टी दिया तो सबसे पहले होटल में आप एक हॉल बुक करोगे, तो हॉल का कॉस्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जितने आपने गेस्ट इनवाइट किया तो हर गेस्ट खाना खाएगा तो खाने का खर्च अलग होगा। तो इस यहाँ पे एक हॉल का खर्च है और एक खाने का खर्च है, ये था इस क्वेश्चन का सेंस। बट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, देखो क्वेश्चन को हम सिंपल रीजनिंग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब नंबर ऑफ इनमेट्स 200 है तो खर्च कितना है, तो खर्च है 1300 रुपीज, राइट स्टूडेंट। अब देखो जब व्यक्तियों की संख्या 250 है, गेस्ट की संख्या, तो खर्चा कितना है, 1600 रुपया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब 300 गेस्ट होंगे तो खर्च कितना होगा। हे स्टूडेंट ध्यान से देखना, जो पहला जो 2 रिलेशन है इसमें देखो, हे 200 और 1300 के बीच में रिलेशन देखो, 200 × 6 + 100, हे 200 × 6 = 1200 + 100। उसी तरह से दूसरे में संबंध देखो, 250 × 6 = 1500 + 6, हे इसका मतलब दो प्रकार से डिवाइडेड है। हे ये जो 100 है वो कांस्टेंट है, और ये गुना 6 जो है वो व्यक्तियों पर निर्भर कर रहा है। तो ये संबंध मुझे पता चल गया, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा 6 + 100। हे आंसर हो गया 300 × 6 + 100, सो आंसर इज 1900 रुपीज, ऑप्शन बी। ऑल राइट ओके, ये और भी अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को उत्तर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ए बी एंड सी हैव 40 एक्स एंड वाई बॉल्स with them respectively. If B gives 20 balls to A, he is left with half as many balls as C. If together they had 60 more balls, each of them would have 100 balls on an average. What is the value of x = y? Student question में दिया हुआ है, A, B, C के पास क्रमशः 40 x और y balls हैं। यदि B A को 20 बॉल्स दे तो B के पास C की तुलना में आधी गेंद रह जाती है,
दूसरा कंडीशन है, यदि यदि उनको 60 गेंद और दिया जाए तो उनका औसत 100 गेंद हो जाता है। तो x और y के बीच का अनुपात बताएं। ये क्वेश्चन तीन वेरिएबल से संबंधित है। देखो स्टूडेंट, a के पास 40 बॉल्स है, b के पास x बॉल्स है और c के पास y बॉल्स है। स्टूडेंट पहला कंडीशन है, यदि b a को 20 गेंद दे देता है तो b के पास कितना बचेगा? हे तो b के पास बचेगा x माइनस 20। और दूसरे लाइन में लिखा है, यदि b a को 20 गेंद दे दे तो उसके पास c का आधा बचता है। हे इसका मतलब दिस इज इक्वल टू c बाई टू। हे इसका मतलब इक्वेशन बन गया x माइनस 20 इज इक्वल टू y बाई टू, राइट? तो x इज इक्वल टू y बाई टू प्लस 20, इक्वेशन नंबर वन। हे x और y के बीच में पहला इक्वेशन बन गया। अब हम दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं, यदि उनको 60 गेंद और दिया जाए। देखो पहले तीनों के पास कितने गेंद थे? 40 प्लस x प्लस y। और अगर उनको 60 बॉल और दिया जाए तो कह रहा है उनका औसत 100 हो जाता है। औसत का मतलब तीन व्यक्ति है तो डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 100। ये औसत का मतलब है जितने व्यक्ति है उतनी संख्या से डिवाइड करें। तो आ गया x प्लस y प्लस 100 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 300। सो x प्लस y इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर टू। तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, अब हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। अब इक्वेशन वन से x का मान यहां रिप्लेस करेंगे, सो y बाई 2 प्लस 20 प्लस y इज इक्वल टू 200, राइट स्टूडेंट? सो y बाई 2 प्लस y को सॉल्व करोगे तो 3y बाई 2 इज इक्वल टू 180। सो y की वैल्यू आ गया 120। और y इज इक्वल टू 120 इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन आ गया 120 बाई 2 60 प्लस 20 80। सो x इज इक्वल टू 80। सो देयर फोर आंसर इज इक्वल टू x इज टू y विच इज इक्वल टू 80 इज टू 120। सो 42 जा एंड 43 जा। सो आंसर है 2:3 अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11th, इन ए क्रिकेट टेस्ट सीरीज द रन्स मेड बाई मार्क एंड स्टीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:9 एंड डेट ऑफ हेडन टू स्टीव इज 6:7। इफ हेडन स्कोर 162 रन्स देन व्हाट आर द रन्स मेड बाई मार्क। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मार्क और स्टीव के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5:9 है और हेडन और स्टीव के बीच द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 6:7 है। और यदि एक हेडन 162 रन बनाता है तो मार्क ने कितना रन बनाया? ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में तीन व्यक्ति है, मार्क, हेडन एंड स्टीव। तो सबसे पहले देखते हैं मार्क और स्टीव के बीच के बनाए गए रनों का अनुपात क्या है, 5:9, इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा है हेडन और स्टीव, हेडन और स्टीव के बीच में 6:7, तो हम कह सकते हैं स्टीव इज टू हेडन हो जाएगा 7:6। हे हमने हेडन इज टू स्टीव था तो उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो स्टीव इज टू हेडन। अब हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। ग्राफिकल मेथड में हमें एक व्यक्ति कॉमन होनी चाहिए और वो क्रॉस में कॉमन होना चाहिए। तो अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से मार्क, स्टीव और हेडन के बीच बनाए गए रनों का अनुपात निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट, 5:7 = 35, ये हम ये सिखा चुके हैं। 7:9 = 63 और 9:6 = 54, राइट? ओके, तो ये ठीक है, 35:63:54। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि हेडन ने 162 रन बनाए। ये देखो हेडन तीसरा व्यक्ति है तो हम इसको जोड़ते हैं, 35 + 63 + 54, राइट? तो 35 + 63 ये हो गया हमारा 98 + 54। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 4 + 3 = 7, 7 + 5 = 12, प्लस 12 मीन्स 2 कैरी 1, 1 + 5 = 6, 6 = 12, प्लस 3 = 15, 152 पार्ट्स। ये ध्यान से देखना, हेडन तीसरा व्यक्ति है, इसका मतलब है हेडन को 152 हिस्सों में से 54 हिस्सा मिलता है, राइट स्टूडेंट? हेडन को देखो क्या मिला,
अब देखो कितना है, हेडन को 162 रन मिला और हेडन का हिस्सा है 54, राइट? तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 54 पार्ट्स इज इक्वल टू 162 रन्स। हे ध्यान से देखना स्टूडेंट, हे हेडन तीसरा व्यक्ति है जो 54 हिस्सा के बराबर है, उसका रन किसके बराबर है 162। तो अब हमें पूछा है मार्क को कितना मिलेगा, मार्क कौन है, मार्क है पहला व्यक्ति, तो वन पार्ट इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 54 रन्स। तो हमें पूछा है मार्क, तो मार्क को मिल रहा है, रेशियो से पता चल रहा है 35 पार्ट, सो 35 पार्ट्स इज इक्वल टू हाउ मच रन, सो आंसर हो गया 162 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 35, राइट स्टूडेंट? इसको कैंसिल कर देते हैं, 96 जा 54, 91 जा 9 एंड 98 जा 72, फिर 63 जा राइट एंड 35 थ्री जा 105। हे इसका मतलब है कि मार्क ने 105 रन्स बनाए और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए रेयर क्वाइन कलेक्शन देर इज वन गोल्ड क्वाइन फॉर एवरी थ्री गोल्ड नॉन क्वाइंस, 10 मोर गोल्ड क्वाइंस आर एडेड टू द कलेक्शन एंड द रेशियो ऑफ गोल्ड क्वाइंस टू नॉन गोल्ड क्वाइंस वुड बी 1:2। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हे पहले लाइन को पढ़ के स्पष्ट नजर आ रहा है, गोल्ड क्वाइन और नॉन गोल्ड क्वाइंस, सोने के सिक्के और नॉन गोल्ड क्वाइंस के सिक्के के बीच का अनुपात 1:3 है। हे देयर इज वन गोल्ड क्वाइन फॉर एवरी थ्री गोल्ड नॉन क्वाइंस, हे इसका मतलब है, इसका मतलब सोने के सिक्के और सोने के जो नहीं सिक्के हैं उनके बीच का अनुपात 1:3 है। वन गोल्ड क्वाइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड क्वाइंस, सो 1:3 दिया गया है, राइट? अब अगर क्वेश्चन में पहला लाइन है, ये देखो क्वेश्चन के हिसाब से देखो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है, हे गोल्ड क्वाइन इज टू नॉन गोल्ड क्वाइन, नॉन गोल्ड क्वाइंस के बीच का रेशियो है 1:3। तो हमने माना लेट गोल्ड क्वाइंस इज इक्वल टू 1x एंड नॉन गोल्ड क्वाइंस इज इक्वल टू 3x। हे क्वेश्चन के पहले लाइन से स्टार्टिंग हो गई। अब हम देखते हैं, इफ 10 मोर गोल्ड क्वाइंस, अगर यदि 10 के सोने के सिक्के उसमें डाले जाते हैं तो जो रेशियो सोने के सिक्के और नॉन गोल्ड क्वाइंस के बीच का 1:2 हो जाता है, राइट ना? तो देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 गोल्ड क्वाइंस और ऐड किए जाते हैं तो न्यू गोल्ड क्वाइंस हो जाएंगे 1x प्लस 10, राइट? एंड स्टूडेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, न्यू गोल्ड क्वाइंस डिवाइडेड बाय नॉन गोल्ड क्वाइंस, ये न्यू का मतलब है नया, गोल्ड क्वाइंस ऐड करने के बाद, ये नॉन का मतलब है जो सोने के सिक्के नहीं है, ये रेशियो हमारे पास दिया है 1:2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ये न्यू नंबर ऑफ गोल्ड क्वाइंस है 1x प्लस 10 और नॉन गोल्ड क्वाइंस 3x अभी भी है, इज इक्वल टू 1:2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, सो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 20। अब क्वेश्चन के अंत में पूछा गया है कि अब कुल सिक्कों की संख्या बताएं, ये टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इन द कलेक्शन नाउ बिकम्स, अब का मतलब 10 गोल्ड क्वाइंस ऐड करने के बाद, सो टोटल क्वाइंस विल बी इक्वल टू, ये देखो 1x प्लस 3x और बाद में 10 गोल्ड क्वाइंस और ऐड किया गया था, राइट? तो आंसर है 4x प्लस 10 और स्टूडेंट x का मान 20 है, सो x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, 24 जा 80 प्लस 10 90, सो आंसर इज 90, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल इमोलूमेंट्स ऑफ टू persons आर द सेम बट वन गेट्स allowances टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ his बेसिक पे एंड द अदर गेट्स allowances टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ his बेसिक पे, द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लेटर इज व्हाट। हे स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है, हे इमोलूमेंट्स का मतलब है आय, हे दो व्यक्तियों की कुल आय समान है,
पहले व्यक्ति को भत्ता बेसिक आय का 65% दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को बेसिक आय का 80% भत्ता दिया जाता है। तो उनके बेसिक आय के बीच का अनुपात बताएं। हे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो कुल आय है, जो टोटल सैलरी है, वो बेसिक पे और अलाउंस से मिलकर बना हुआ है। बेसिक पे प्लस अलाउंस इज इक्वल टू टोटल सैलरी, राइट स्टूडेंट? ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया है, देखो, हे टोटल सैलरी, हे अब क्वेश्चन में कुल आय है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हे दिया है क्वेश्चन में, सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन इज सेम एज सैलरी ऑफ सेकेंड पर्सन। हे यहां पे सैलरी का मतलब है टोटल, कुल आय दोनों का बराबर दिया गया है। अब प्रश्न के हिसाब से सैलरी दो चीजों से मिलकर बना है, बेसिक पे प्लस अलाउंस इज इक्वल टू, हे उसी तरह से दूसरे व्यक्ति का बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, भत्ता प्लस बेसिक पे, राइट? अब क्वेश्चन में हमें बेसिक पे नहीं पता है, तो हमने माना पहले व्यक्ति का बेसिक पे एक्स है और पहले व्यक्ति को भत्ता कितना दिया जा रहा है, बेसिक पे का 65%, सो 65% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब दूसरे व्यक्ति का बेसिक पे नहीं पता है, इसको माना हमने वाई, और दूसरे को 80% बेसिक पे का अलाउंस मिल रहा है, सो 80% ऑफ वाई। हे क्वेश्चन ओवर, टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई एंड आंसर ओवर, सो 165x इज इक्वल टू 180y, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं अपॉन 100। स्टूडेंट, 100 एंड 100 कैंसल, सो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 165, और ये दोनों संख्या 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 इंटू 11 इज 165, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, सो एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 12 इज टू 11, सो आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, इन द फेमस पेम्बा आइलैंड देयर आर 4 मेन फॉर एवरी 3 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रेन फॉर एवरी 3 मेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द आइलैंड इफ इट हैज 531 वुमेन। एक स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है कि एक फेमस पेम्बा आइलैंड पर मेल और फीमेल के बीच का अनुपात 4:3 है। हे 4 मेल फॉर एवरी 3 फीमेल, इसका मतलब मेल और फीमेल का अनुपात 4:3 है, और उसी तरह से 5 चिल्ड्रेन फॉर एवरी 3 मेल, हे इसका मतलब चिल्ड्रेन और मेल के बीच का अनुपात है 5:3। ये लाइन समझना है, ये 5 चिल्ड्रेन फॉर एवरी 3 मेल, इसका मतलब चिल्ड्रेन और मेल के बीच का अनुपात 5:3 है, और यदि इस आइलैंड पर कुल 531 महिलाएं रहती है तो बच्चों की संख्या बताएं। ऑल राइट स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हे क्वेश्चन के पहले लाइन से मेल और फीमेल के बीच का रेशियो हमें पता है, राइट? सो मेल इज टू डब्लू इज इक्वल टू 4:3 का मतलब 4:3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमारे पास डब्लू टोटल फीमेल 531 है, तो डब्लू को हम 531 से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल टू 4:3। अब इसको सॉल्व करके एम फॉर मेल, टोटल मेल की वैल्यू निकाल लेंगे, 531 इंटू 4:3, सो 3 1 जा 3 कैंसिल कर रहा हूं, 2 23 का मतलब 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21 इंटू 4, सो टोटल मेल इस आइलैंड पर हो गए 4 7 जा 28, 2 28 प्लस 2 30 मीन्स 3 4 1 जा 3 प्लस, सो 708 मेल्स इस आइलैंड्स पे रहते हैं, ये मुझे पता चल गया। अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चिल्ड्रेन और मेल के बीच का रेशियो दिया हुआ है, चिल्ड्रेन और मेल के बीच का रेशियो है 5:3 मीन्स 5/3, और अभी अभी मेल की संख्या हमने 708 निकाला है, तो m को हम रिप्लेस करेंगे 708 से, इज इक्वल टू 5/3, सो c फॉर चिल्ड्रेन 5 × 708 डिवाइडेड बाई 3, सो 5 × 3 2 जा 6, 1 10 10 मीन्स 3 3 जा 9, 1 मीन्स 3 6 जा 18, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां आ गए
राइट, 5 6 30 0 मीन्स 3, 5 3 15 3 18, 1 5 2 10 + 1 11, सो 1180 चिल्ड्रेन. सो आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी. ऑल राइट स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक्स ऑफ रेशियो, बेसिक्स ऑफ प्रोपोर्शन, फिर उससे रिलेटेड लॉट्स ऑफ आइडियाज एंड बेसिक क्वेश्चन, और सबसे लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने एडवांस लेवल क्वेश्चन, गुड क्वालिटी क्वेश्चन डिस्कस किया. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट.